साथियों जोहार, अब देख रहे हैं एक महिला है जिस चूहा से पानी ले रही है। साथी थोड़ा चूहा दिखा दीजिए इनको। और हम आज आजादी के 74 साल में कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ खड़े हैं और देश का क्या विकास हो रहा है। सरकार चाहे कांग्रेस का रहा हो, चाहे वर्तमान में भाजपा का हो, चाहे राज के अंदर जेएमएम का सरकार रहा हो, चाहे लंबा समय से भाजपा की सरकार रहा हो, किन्हीं ने भी आदिवासियों के पक्ष में, गरीबों के पक्ष में कोई काम नहीं किया है। उसका उदाहरण आप देख सकते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र आज भी इन आज़ादी के 74 सालों में साफ पानी के लिए संघर्ष कर रहा है। लोग पीने के पानी के लिए चूहा के पानी पर आश्रित हैं। यहाँ पर ये स्थिति है तो हम किस विकास की बात करें। यहाँ पर केंद्र सरकार करोड़ों रुपया खर्चा करके यहाँ पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बना रहा है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से विकास नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, यहाँ के लोगों को रोजगार चाहिए। यहाँ पर जो प्लान हो रहा है, प्लान खत्म करने का नीति बनाना चाहिए ताकि यहाँ से लोग प्लान होकर के बाहर ना जाए, अपने राज्य के अंदर में उनको रोजगार मिले। यहाँ पर ऐसा कृषि नीति लाया गया है जिस कृषि नीति के माध्यम से गरीबों का खेतों को कब्जा कर लिया जाएगा। सरकार आय दोगुना करने की बात कर रहा है तो आप तो सरकार यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं उपलब्ध करा पा रहे, हम किस विकास की बात कर रहे हैं। ऐसा परिस्थिति में एकमात्र विकल्प है तमाम लोगों को अपना हक का लड़ाई को लड़ना होगा और अपना ये वोट का कीमत समझना होगा। ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो आपका तकलीफ को समझे, आपका बुनियादी समस्या को देख करके उसके अंदर में तकलीफ हो और उस तकलीफ को दूर करने के लिए खुद लड़ने के लिए आगे आए। आज हम लोग ने निरपूर्ति जैसे विधायक को जो 3-3 बार विधायक बना, यहाँ पर लोगों को पीने का पानी नहीं दिला पा रहा है। क्या का विधायक बना हुआ है यहाँ पर? ऐसे विधायकों को तो एकदम चुल्लू भर पानी में मतलब कि डूब मरना चाहिए जो लोगों की समस्या को दूर नहीं कर पा रहे। यहाँ पर मधुकोड़ा जो है मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी अभी गीता कोड़ा जो है सांसद महोदया है, लेकिन लोग ये चूहा के पानी पर आश्रित है। ये सिर्फ इस गांव का मसला नहीं है, हम मंझारी प्रखंड का गांव के मामले बताते हैं। टोपा सही, डंडे सही, मारे सही के मामले को लेकर लगातार हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। किस विकास की हम बात कर रहे हैं? यहाँ पर लोग कई किलोमीटर दूर जा करके पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो लड़ाई है व्यवस्था परिवर्तन का, ये लड़ाई है अपना वोट का ताकत को दिखाने का, ये लड़ाई है तमाम लुटेरों को सत्ता से हटाने का जो सिर्फ रूंटा ऐसे पूंजीपतियों से, टाटा ऐसे पूंजीपतियों से, ठेकेदारों से, यहाँ पर बेदी जैसे लोगों से चंदा लेकर के हम आम भोले भाले जनताओं को वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से अपील करते हैं कि लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन का है। जब तक जनता अपना वोट बेचते रहेगा तब तक इस प्रकार का समस्या रहेगा। लोग 5 साल में नेता आपको याद करेंगे, बाकी समय आपको भूल जाएंगे। तो आपको अपना वोट का ताकत समझना होगा और इस वोट के माध्यम से ही समस्या का समाधान हो सकता है। और इनके मामले को लेकर के हम लोग की जो वीडियो महोदया है उनको मिल करके अवगत कराएंगे कि इस मामले को लेकर के संज्ञान ले, वरना हम लोग फिर डेक्चे और बर्तन लेकर के हम लोग अंत में बैठने विवश होंगे। और ये आंदोलन तब तक फिर जारी रहेगा जब तक हम लोग मांग पूरा नहीं होता, हम लोग संघर्ष जारी रहेगा। इनका धन्यवाद। बिहार का